डीआरडीओ में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट स्टेनो की जो लास्ट डेट थी 7 दिसंबर आपकी निकल चुकी है। अब ऐसे में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने आपका दोबारा फॉर्म भरा था, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट्स की गलती हो गई थी। अब इनमें से किन कैंडिडेट्स का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स को ये क्वेरी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि जिन भी कैंडिडेट्स के फोटो और साइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, इवन आपने स्पेक्स के साथ भी फोटो लगाई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसएससी ने अभी आपका ये किया है कि विदाउट स्पेक्स फोटो लगानी है, बाकी अदर एग्जाम में आप लगा सकते हो, ठीक है। आपके नॉर्मल स्पेक्स आपके होने चाहिए, गॉगल्स नहीं होने चाहिए, बाकी सिग्नेचर में भी अगर कोई इशू नहीं है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। या अगर मान लो आपने कोई भी गलती करी है और उसके अगेंस्ट में आपने दोबारा फॉर्म भरा है, ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ गलती की वजह से दोबारा फॉर्म भरते हैं, तो आप एक चीज ध्यान रखें, मैंने आपका इसके पहले जो टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी डीआरडीओ की, जिसका पेपर अभी हाल ही में हुआ है, उसका भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका लेटेस्ट फॉर्म होता है वही आपका एक्सेप्ट किया जाता है। हालांकि आपकी डबल फीस लगती जरूर है, लेकिन आपका फॉर्म जो है वो आपका लेटेस्ट वाला ही एक्सेप्ट होता है, पुराना वाला आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसकी अलग से लिस्ट भी आपकी निकलती है, तो अभी डीआरडीओ में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और स्टेनो की भी आपकी अलग से एक लिस्ट निकलेगी, तो आप सभी बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, कोई भी उसमें आपको प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं होगी। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। ओके।